Hi guys, my name is Dominda and welcome back to my channel. You're watching day 5 of 7 days and 7 recipes and ab tak hum bana chuke hain kafi interesting recipes like a mango salad, mango laddu, mango rabri sevai and a mango jam. Ye sari recipes sugar free thi aur kafi healthy thi. But aaj baat karte hain ek aisi recipe ki jo mango se banti hai but shayad aapne kabhi iske bare mein socha na ho. एक कढ़ाई में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लेंगे। अब इसमें मैं दो तरीके के पेस्ट डालने वाली हूँ। एक तो है हमारा जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट, जिसको मैंने सरसों के तेल के साथ पीस लिया है। इसको आप बना के अपने फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रेड चिली और गार्लिक का पेस्ट, जिसके लिए मैंने अपनी रेड चिलीज को पानी में थोड़ी देर भीगने दिया था और फिर गार्लिक के साथ इसको पीस लिया है। याद रखिए, आप अपनी रेड चिलीज कम या ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कितनी मिर्ची खाना पसंद करते हो। एक और टिप जरूर दूंगी कि इस डिश में आप जितनी मिर्ची खाते हो उससे थोड़ी ज्यादा मिर्ची डालिए, क्योंकि आम की मिठास मिर्ची को काफी हद तक कवर कर लेगी। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच अपना इमली का पेस्ट। इसको हम तब तक भून लेंगे जब तक इमली का पेस्ट बाकी दोनों पेस्ट से मिक्स नहीं हो जाता। एक बार आपके पेस्ट का कच्चापन चला जाए तो अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी। मैंने यहाँ पे 2 आम लेके इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया है। ये अराउंड 1 कप हो गया है। याद रखिए, आम को तब तक पकाना है जब तक आम साइड से तेल नहीं छोड़ने लगता। इसमें अभी हम डाल देंगे अपने मसाले, यानी कि जीरा पाउडर, काली मिर्च और नमक। जैसे कि किसी भी सब्जी में आप टमाटर की प्यूरी को पकाते हैं, वैसे ही इस आम की प्यूरी को पकाइए। एक बार ये तेल छोड़ दे तो अब हम इसमें डालेंगे अपना कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक आपका मसाला एकदम तैयार नहीं हो जाता। याद रखिए, आपका कोकोनट मिल्क आपके रेगुलर मिल्क की तरह नहीं होता है, तो इसको बॉयल ना करें। अब हम इसमें डाल देंगे अपने पनीर के पीसेस और तैयार करेंगे अपना तड़का। तड़का बनाने के लिए हम एक पैन में लेंगे कोकोनट ऑयल, राई, हींग और लाल मिर्च। इसमें हम डालेंगे खूब सारे करी पत्ता और इसको तब तक भून लेंगे जब तक राई चिटकने नहीं लगती। इसको हम अपने पनीर के ऊपर डाल देंगे और सर्व करेंगे गर्मा गर्म राइस के साथ। थोड़ा सा कोकोनट मिल्क ऊपर से और डालिए और कोकोनट बुरादे के साथ इसको गार्निश कर लीजिए। ये रेसिपी थोड़ी यूनिक है, बट आप इसको खा के देखेंगे तो शायद आप अपना नॉर्मल पनीर मक्खनी भूल जाएंगे। प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो आपको ये कैसी लगी। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहेंगे। और अगर आपको डे टू डे छोटी मोटी रेसिपीज देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। अंटिल देन, स्टे सेफ एंड कीप कुकिंग।